दुर्ग शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट की बदहाल पार्किंग व्यवस्था के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंदिरा मार्केट में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने एक तरफ जहां व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो वहीं वाहन से मार्केट आने वाले लोगों को भी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को लेकर दुर्ग नगर निगम की एल्डरमैन रत्ना नारायण देव ने ग्रैन एसी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। परंतु लोग पार्किंग व्यवस्था को खुद ही बिगाड़ कर रखे हुए हैं। वो चाहते हैं हम दुकानों के सामने जहाँ व्यवसाय होते हैं, जहाँ दुकानें, उसी के सामने गाड़ी खड़े करें और हम सामान खरीदें और गाड़ी उठा के चलते बने। इसमें दोष हम किसी को नहीं देंगे, दोष हम जनता को ही देंगे, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो जिला है, हमारा देश है, जो प्रदेश है या हमारा शहर है, खराब दिखे, क्योंकि वो खुद चाहता है कि हमारे रहते कार्यकाल में काम अच्छा और सुचारू रूप से हो और जनता को सहूलियत मिले। कोशिश की जा रही है उन्हें सहूलियत दी जाए, परंतु उसमें उनकी भी सहभागिता जरूरी है। आपने अभी बोला आम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्या आपके द्वारा कभी कभी ऐसा अभियान चलाया जाता है इनमें जागरूकता लाने के लिए? हम लोगों ने कई बार प्रयास किए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग यहाँ पर बैठे भी हैं कि जनता इसमें समझदारी दिखाए। परंतु आप स्वयं देख रहे हैं, अभी ये जितने भी सब्जी वाले जितने बाहर बैठे हैं दुकानों के सामने, जो गाड़ियाँ अव्यवस्था रूप से खड़ी हैं, ये खुद ये नागरिक का परिचय है कि वो खुद इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो जल्दबाजी में गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी कर देंगे और फिर दोषारोपण नगर निगम को देंगे, शासन प्रशासन को देंगे। जब बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं कि पुलिस की अव्यवस्था के कारण हुआ। भाई, आप अपनी अव्यवस्था खुद फैला रहे हो, उस व्यवस्था में यदि आप हम लोगों का सहभागिता निभाओगे तो इस तरह की अव्यवस्था भी नहीं होगी और कभी एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। जो दुर्घटनाएं होती हैं, जनता स्वयं खुद के जिम्मेदार है। मैडम, देखा जाता है कि व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, खासकर पसरा लगाकर व्यापारी जो करते हैं व्यापार, उनमें भी एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने पूरे सामानों को अव्यवस्था फैलाते हुए वो रास्ते पर रख कर बेचते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने उन लोगों को कई बार कहा है, उन लोगों की व्यवस्था भी बनाई गई है, उनको दुकानें भी दी गई हैं, परंतु ज़्यादा बिके हमारा माल उस चक्कर में क्या है, परिवार पूरा रहता है, आधा परिवार अंदर बैठता है, आधा परिवार बाहर बैठता है, और इस तरह जब कोई त्यौहार आता है तो आप खुद देखते होंगे यहाँ बिल्कुल अव्यवस्था का भरमार हो जाता है कि हमको पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। यदि जब इनको जगह दी गई है तो उस जगह पर इन लोगों को बैठना चाहिए। आपने देखा होगा इंदिरा मार्केट में यहाँ पर जो सब्जी मंडी है, इसकी व्यवस्था माननीय अरुण वोरा जी ने बहुत अच्छी तरीके से करवा दी। पहले बंद था, इन लोगों की मांग थी खुला करा दिया जाए, पूर्ण रूप से खोल दिया गया है कि इन लोग आराम से बैठें और अपना व्यवसाय करें। परंतु इन लोग व्यवसाय को अपना घरेलू बना करके रख दिए हैं और जब देखो तब इन लोगों की अव्यवस्थाएँ रहती हैं। इसमें शासन प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि ये एक दिन तो हट जाते हैं, फिर दूसरे दिन आकर के फिर वही मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। चाहे आप शनिचरी मार्केट देखिए, चाहे इंदिरा मार्केट देखिए, जहाँ भी मार्केट खोल के रखे हैं, आप सुबह सुबह निकलेंगे, चाहे महाराजा चौक में भी जाके देखेंगे, सुबह से आपको वहाँ पर सब्जी भाजी वाली रोड पर लगा करके लगाती हुई दिखेंगे, पसरा अपना फैला के रखते हैं। तो इन लोगों का ये है कि हम लोग हमारा व्यवसाय हमारा पेट पलने दिया जाए, इनको व्यवस्था तो बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है, परंतु लोग पार्किंग व्यवस्था को खुद ही बिगाड़ कर रखे हुए हैं। वो चाहते हैं हम दुकानों के सामने जहाँ व्यवसाय होते हैं, जहाँ दुकानें, उसी के सामने गाड़ी खड़े करें और हम सामान खरीदें और गाड़ी उठा के चलते बने। इसमें दोष हम किसी को नहीं देंगे, दोष हम जनता को ही देंगे, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो जिला है, हमारा देश है, जो प्रदेश है या हमारा शहर है, खराब दिखे, क्योंकि वो खुद चाहता है कि हमारे रहते कार्यकाल में काम अच्छा और सुचारू रूप से हो और जनता को सहूलियत मिले। कोशिश की जा रही है उन्हें सहूलियत दी जाए, परंतु उसमें उनकी भी सहभागिता जरूरी है। आपने अभी बोला आम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्या आपके द्वारा कभी कभी ऐसा अभियान चलाया जाता है इनमें जागरूकता लाने के लिए? हम लोगों ने कई बार प्रयास किए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग यहाँ पर बैठे भी हैं कि जनता इसमें समझदारी दिखाए। परंतु आप स्वयं देख रहे हैं, अभी ये जितने भी सब्जी वाले जितने बाहर बैठे हैं दुकानों के सामने, जो गाड़ियाँ अव्यवस्था रूप से खड़ी हैं, ये खुद ये नागरिक का परिचय है कि वो खुद इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो जल्दबाजी में गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी कर देंगे और फिर दोषारोपण नगर निगम को देंगे, शासन प्रशासन को देंगे। जब बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं कि पुलिस की अव्यवस्था के कारण हुआ। भाई, आप अपनी अव्यवस्था खुद फैला रहे हो, उस व्यवस्था में यदि आप हम लोगों का सहभागिता निभाओगे तो इस तरह की अव्यवस्था भी नहीं होगी और कभी एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। जो दुर्घटनाएँ होती हैं, जनता स्वयं खुद के जिम्मेदार है।
मैडम देखा जाता है कि व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं खासकर पसरा लगाकर व्यापारी जो करते हैं व्यापार, उनमें भी एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने पूरे सामानों को अव्यवस्था फैलाते हुए वो रास्ते पर रख कर बेचते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने उन लोगों को कई बार कहा है, उन लोगों की व्यवस्था भी बनाई गई है, उनको दुकानें भी दी गई हैं, परंतु ज़्यादा बिके हमारा माल उस चक्कर में क्या है, परिवार पूरा रहता है, आधा परिवार अंदर बैठता है, आधा परिवार बाहर बैठता है, और इस तरह जब कोई त्यौहार आता है तो आप खुद देखते होंगे यहाँ बिल्कुल अव्यवस्था का भरमार हो जाता है कि हमको पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। यदि जब इनको जगह दी गई है तो उस जगह पर इन लोगों को बैठना चाहिए। आपने देखा होगा इंदिरा मार्केट में यहाँ पर जो सब्जी मंडी है, इसकी व्यवस्था माननीय अरुण वोरा जी ने बहुत अच्छी तरीके से करवा दी है। पहले बंद था, इन लोगों की मांग थी खुला करा दिया जाए, पूर्ण रूप से खोल दिया गया है कि इन लोग आराम से बैठें और अपना व्यवसाय करें, परंतु इन लोग व्यवसाय को अपना घरेलू बना करके रख दिए हैं, और जब देखो तब इन लोगों की अव्यवस्थाएँ रहती हैं। इसमें शासन प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि ये एक दिन तो हट जाते हैं, फिर दूसरे दिन आकर के फिर वही मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। चाहे आप शनिचरी मार्केट देखिए, चाहे इंदिरा मार्केट देखिए, जहाँ भी मार्केट खोल के रखे हैं, आप सुबह सुबह निकलेंगे, चाहे महाराजा चौक में भी जाके देखेंगे, सुबह से आपको वहाँ पर सब्जी भाजी वाली रोड पर लगा करके लगाती हुई दिखेंगे, पसरा अपना फैला के रखते हैं। तो इन लोगों का ये है कि हम लोग मैडम बताएंगे यहाँ की व्यवस्था में सुधार हेतु नगर निगम की क्या पहल रही है, उन्होंने क्या योगदान दिया है? देखिए, ये हमारा दुर्ग शहर का हृदय स्थल है और ये बहुत पुराना मार्केट है, 40-45 वर्ष से तो मैं स्वयं देख रही हूँ इसको, और इसकी व्यवस्था अभी 2-3 सालों में जो सुधारी गई नगर निगम के माध्यम से, जब हमारा कांग्रेस कार्यकाल आया, विधायक महापौर जब हमारे बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके माध्यम से इस हर नगर निगम में, हर नगरीय निकाय में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बाज़ार व्यवस्थित रूप से बने। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था की मांग करी जाती है, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह बड़े शहरों में पार्किंग की व्यवस्था होती है, दुर्ग शहर में भी कोशिश की जा रही है, हमें जैसी जगह मिलेगी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम ये बार बार हम पहले भी बता चुके हैं कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से होगी। जिस तरह यहाँ का मार्केट कुछ उठकर पुलगांव की तरफ चला गया है, अभी मार्केट का और दुकानें बन रही हैं तो कुछ मार्केट वहाँ और जाएगा, तो उससे हमारे दुर्ग शहर की व्यवस्था और सुधरेगी। तो छूट के बाद ये तो एकदम उंगली पकड़ के फिर पूरा पहुँचा पकड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोग भी अपनी सहभागिता निभाएँ। भाई देखिए, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यदि हम कहें कि नहीं महापौर नहीं कर रहे, नगर निगम नहीं कर रहा, विधायक नहीं कर रहा। आप सुबह से देखेंगे हमारे विधायक महोदय अरुण वोरा जी पूरे राउंड लगाते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ अव्यवस्था है। महापौर जी भी लगाते हैं, निगम के अधिकारी कर्मचारी आयुक्त हमारे कलेक्टर महोदय तक यहाँ पर इन्होंने पूरे इंदिरा मार्केट का जायज़ा लिया। अव्यवस्था देखिए, बार बार हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे कि अव्यवस्था कौन फैलाता है, अव्यवस्था जनता ही फैलाती है। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे हमारे दुर्ग शहर में, हम कहेंगे सौंदर्यीकरण, हम सौंदर्यीकरण नहीं ला सकते। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से पसरा लगाकर व्यापार करने वालों को आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आप लोग भी सहभागिता निभाएं, क्योंकि दुकानों में आप व्यवसाय तो जरूर कर रहे हैं, परंतु दुकानों को जब आगे बढ़ा देते हैं तो रोड सक्रिय हो जाती है, उससे हम लोगों को आने जाने की बहुत मुश्किलें होती हैं। और जितने यहाँ पसरा लगाए हैं, इनको मैं भी कहना चाहूँगी कि आप लोग व्यवस्थित बैठें, जिससे लोगों को गाड़ियाँ लाना ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। चाहे आप मछली मार्केट की तरफ से देखें, चाहे इस तरफ से देखें, चारों ओर से आप देख रहे हैं जगह जगह पसरा लगा हुआ है। तो ये इन लोगों की खुद की अव्यवस्था है, इसमें नगर निगम भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक के ये खुद जागरूक नहीं होंगे कि हमारा शहर सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, साफ़ सुथरा दिखे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, नगर निगम सुबह से घूमता है यहाँ पर, सबको समझाते हैं, उसके बाद भी ये लोग अपना आवक बढ़ाने के लिए बाहर बैठते हैं, कि जिससे जो भी यहाँ पे ग्राहक आए सबसे पहले हमारे पास आए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दुर्ग शहर की यातायात पार्किंग व्यवस्था को लेकर हमने एल्डरमैन रत्ना मैडम से बातचीत की। उन्होंने बताया नगर निगम किस तरह की पहल यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कर रहा है और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा सुंदर शहर बनाने के लिए अपना क्या योगदान वो देगा। नमस्कार।